हाँ भाई, हमारे यहाँ मतलब 2 महीने हो गए, 2 महीने से अभी तक मतलब ट्रांसफार्मर ही नहीं आए। हमारी पूजा लगती थी अंदर की पूजा लगती है और भोग चढ़ाना है और उसके कानों में बोले जाएगा ये उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए रखी महाराज जी ने कि उनका भाई ये खत्म हो गया। अच्छा, इसलिए भंडारा होता है तो उसके बर्तन यहाँ पे मिल जाते हैं और फिर उनको धो के यहाँ रखा जाता है। लेकिन 8 मुट्ठी के करीब, आधी नाली के करीब जो है मंदिर प्रांगण और जहाँ पे स्नानागार है यही जो है हस्तांतरित हो पाया। समस्या एक नहीं बहुत है यहाँ पे जो है, ये सब जो है 1980 से पहले के हैं। कम से कम 60 नाली के करीब इसको जो है बद्री केदार मंदिर समिति को ट्रांसफर किया जाए। माननीय सज्जनानंद भारती जी ने कई जगह उनको भेजा है। तो हेलो गाइस, स्वागत है और मैं हूँ गोविंद सिंह रावत। तो मेरे गांव से पड़ता है बिनसर मात्र 1.5 किलोमीटर और इस वक्त मैं बिनसर के उन देवदार के जंगलों के अंदर, यानी कि उसको चंदन के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है, उन जंगलों के अंदर और बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। तो अभी मैं बिल्कुल बिनसर के बिल्कुल नजदीक पहुँच चुका हूँ। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि बिनसर को आगे बढ़ाया जाए, प्रसिद्ध धाम बने। हालांकि ये सुनने में जरूर आया था कि 5वां धाम के साथ बिनसर महादेव जी जुड़ने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। जय बिंदेश्वर महादेव। भोग बना रहे हैं बेटा यहाँ पे भगवान जी का भोग और बाबा जी का भंडारा है और हमारे यहाँ पर जो है कि फनियाल जी का भी भंडारा चल रहा है यहाँ पर देहरादून वाले का। मोहन सिंह फनियाल जी का, हाँ, उनका लड़का जय गोपाल और जयपाल भी है यहाँ पर, इनका सब बहुत बेची सवार और परसों से उनका जो है यहाँ पर वो हो रहा है, पाठ पूजा हो रही है। मान्य मान्य गण बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। बाबा जी का भी यज्ञ रामायण हो रही है कल से, लास्ट दिन है। अच्छा, हाँ, इसलिए भंडारा भी हो रहा है। खीर है, ये किस किस से बनाई जाती है? इसमें काजू किशमिश डाले गए हैं और चावल के बन गया है और उसमें दूध से बन गया। भगवान का भोग हमने हल्दी भी डाली इसमें। और यहाँ पे स्पेशल भोग बन रहा है जो पहले लगता है भगवान को, पहले चढ़ाया जाता है और उसमें क्या क्या डलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आगे आपको दिखा क्या क्या भंडारे में और बनता है। और यहाँ पे जो है कि अब दरवाजे भी लग चुके हैं और ये दरवाजे का है चंदन के पेड़ से बने हुए स्पेशल। इनका हैंडल देखिए गोल्डन। अंदर का व्यू काफी अच्छा चल रहा है। जलेबी और बन रखी यहाँ पे बिल्कुल लाल लाल ताजा है और ये वाला जो है यहाँ से 4 दिन पे आ रखा है, इसकी कोई जलेबी नहीं दिखी अभी तक। थोड़ा 10 रुपए करके जो भी जलेबी लेने बेचारा गरीब आदमी है, इतने दूर से 2 खच्चर लेके सामान लेके आए, कल के केवल 400 रुपए की सेल हो रखी है बस। धन्यवाद। यही है हम लोगों के लिए।
वो बन गए नहीं बन गए ये बिन रहे तेरे पास के हम लोग उन्हें जो राग भी काट मांगो जो अगर मैं बिजाशन बढ़ गया कोई तो पहचान उनसे जो कार क्यों उसका बाहर जा रहे हैं यहाँ से तो अभी हमने नीचे अब हम जा रहे हैं जहाँ दूसरा भंडारा बन रहा है क्या क्या अभी भंडारे का सामान यहाँ पे तैयार हो रहा है ये देखिए तो क्या बोलो हमारे बन गए यहाँ अच्छा विकास यहाँ होगा नहीं भाई हमने क्या बोल रहे मतलब दो महीने हो गए दो महीने से अभी तक मतलब ट्रांसफार्मर ही नहीं है के बारे में हमने दो बार दो तीन बार कंप्लेंट भी कर दी फिर भी नहीं आए हैं तब पहले हमारी पूजा लगती थी अंदर की पूजा लगती थी हमारे भगवान माने चालू हुए मेरे हो और यहाँ पर जो इसके कान में बोला जाता है और उनकी जो है कि मनोकामना पूरी हो जाती है वहाँ कोई मरवा लोगों ने उसके पैर का फिर उसके बाद वो यहाँ बाल नहीं चढ़ाते हमने भी ऐसे सुना पहले से और घी से मक्खन से इनको जो है उसका बदन लगाया जाता है हवन किया गया था और यहाँ पे हवन किया हुआ बहुत ही शुद्ध माना जाता है जिसमें क्या भंडारा देते हैं हवन जरूर करते हैं यहाँ पे हवन किया यहाँ पर मान लो 100 बार हवन कर दिया इतना फल यहाँ पर मिल जाता है सर में चंदन की लकड़ियों से हवन होता है और ये ऊपर है सारे देव आओ मेरे मोहन साथी आओ मोहन साथी
और बोला अखंड राम हो रहा है महाराज ने रखी हुई है और जो है कि राम इसलिए रखी महाराज जी ने कि उनका भाई खत्म हो गया अच्छा। इसलिए रखी हुई उनकी आत्मा शांति के लिए रखी हुई है ये दशहरा है गंगा दशहरा इसलिए सभी लोग आ रखना जब भी यहाँ भंडारा होता है तो उसके बर्तन यहाँ पे मिल जाते हैं और फिर उनको धो के यहाँ रखा जाता है। तो कोई भी अगर भंडारा करना चाहे तो यहाँ पे बर्तन अवेलेबल होते हैं, केवल अपना सामान लेना होता है और उसके बाद जो भी आगे पूजा वगैरह होगी। मैं गिरीश चंद्र तोड़ी ग्राम कांडई और हाल ही में बिनसन मंदिर सेवा समिति से कोषाध्यक्ष। मंदिर आधा गिरा हुआ था जी, तो वन विभाग द्वारा यहाँ पे रोक लगाई गई थी। अच्छा, तो मेरे सहयोगियों अध्यक्ष महोदय नवीन चंद जोशी नारायण रतोड़ी आदि यहाँ पे हमारे पुजारी भी हैं, बेलवाल जी हमारे समिति के सदस्य भी हैं और कई लोग हम 7 महीने तक सरकार के साथ घूमे। माननीय जिलाधिकारी महोदय वन विभाग और माननीय वन मंत्री हरक सिंह रावत जी, माननीय धन सिंह रावत जी, कई लोगों से हमने इस विषय में जो है किया। तो उसके बाद जो है ये मात्र बद्र केदार मंदिर समिति को 8 मुट्ठी के करीब आधी नाली के करीब जो है मंदिर प्रांगण और जहाँ पे स्नानागार है यही जो है हस्तांतरित हो पाया। वन विभाग जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे धर्मशाला था एक, तो आधी चिनाई करके जो है वन विभाग ने उस पर रोक लगा दी। यहाँ पे जो है जो मंदिर की परिक्रमा होगी तो उसको जो है बद्र केदार मंदिर समिति जो है अभी पूर्ण काम नहीं हो पाया है, तो उसी के बाद जो है वो बने लास्ट में बनेगा क्योंकि ऊपर से नीचे जो है पहले वो बनते आएगा। वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बद्री केदार मंदिर समिति को जिन्होंने जो है हमारे इस पौराणिक मंदिर को जो है नव रूप में लिया। आदिकाल से पांडव का कथन है, हमें भी इसका बिल्कुल इतिहास अभी वैसे मालूम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये पांडवों द्वारा निर्मित कराया गया था और ये जो है भूकंप आदि के कारण जो है टूटने के कगार पर था। तो बद्री केदार मंदिर समिति ने जो इसका नवनिर्माण कराया है। समस्या एक नहीं बहुत है, यहाँ पे जो है पहले जंगली जानवरों का जो है भाई बना रहता था, तो चौथान बिनसर समिति ने जो है यहाँ जो है पूरी घेरबाड़ कर रखी है जिसमें समस्त चौथानवासियों का सहयोग है, प्रत्येक ग्राम सभा का सहयोग बना हुआ है। और अभी जैसे कि यहाँ पे बद्री केदार मंदिर समिति को जो है केवल यहाँ पे मंदिर और मंगल यहाँ पे नहाते हैं, ये केवल 8 फुटी हस्तांतरण हो पाया है मंदिर समिति को। वन अधिनियम 1980 में लागू हुआ और ये जितने आप को ये पुरानी धर्मशाला दिख रही हैं ये सब जो है 1980 से पहले के हैं और यहाँ पे जो है आगे भी जो है प्रांगण बनाना बहुत मुश्किल है वन अधिनियम के कारण। तो मैं तो अभी माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस भूमि को जो है कम से कम 60 नाली के करीब इसको जो है बद्री केदार मंदिर समिति को ट्रांसफ़र किया जाए, जिसमें बद्री केदार मंदिर समिति की चेयरमैन माननीय ध्यानी जी से मेरी बात हुई थी, ने कहा कि हम इसका प्रपोजल तैयार करके सरकार को सौंपते हैं। अगर ये भूमि बद्री केदार मंदिर समिति को जो है हस्तांतरित हो जाती है तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो है पर्यटन के रूप में एक प्रसिद्ध धामी बन जाएगा। मेरी चौथान बिनसर मंदिर समिति से भी पूरी आस्था के साथ यहाँ हम काम कर रहे हैं। कई यहाँ पे विस्मृतियाँ हैं, कई दूर दूर से यहाँ आती यात्री आते हैं और आज जो है यहाँ कई यात्री पैसा देने के लिए राजी हैं, लेकिन हम एक यहाँ पे जो है शौचालय नहीं बना सकते हैं, तो ये भी नमनाएँ हमारी हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि शीघ्र यथाशीघ्र इस भूमि को जो है बद्री केदार मंदिर समिति को हस्तांतरित, यहाँ के जो
परिस्थितियाँ, आप ये जंगल के बीच में हैं, यहाँ जो है दूर दूर से यात्री भी आते हैं, तो हम जो है ये जो यात्री शर्ट है इनकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। यात्रा के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम देड़ा के वन विभाग की चौकी तक, जहाँ पर तक हमारी सिविल भूमि है, वहाँ तक कम से कम रोड पहुँचाई जाए, और यहाँ से बिनसर से लेके यहाँ तक जो है रोड का भी किया, अगर मोटर मार्ग सुलभ नहीं तो इस मार्ग को जो है कम से कम पैदल चलने लायक बना दिया जाए। चौंडा से लेके और बिनसर तक आना जो है बहुत मुश्किल है, तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन रास्तों को, कम से कम इन रास्तों को ठीक कर दे, ताकि बाहर से आने वाले यात्री जो हैं यहाँ जो है आसानी से आने वाले भविष्य में क्या बिन शर्मादेव जी कभी पांचवा धाम में जुड़ पाएंगे कि नहीं? जी जी सर, अगर चौथान बिनसर मंदिर समिति और बद्री केदार मंदिर समिति और सरकार मिल के इसको अगर तैयार करे तो ये जो है पांचवें धाम के रूप में विकसित हो सकता है। मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है? जी, मंदिर का कार्य लगभग 80% 80% है अभी, 80% ये इसमें कम से कम एक साल लगेगा अभी। अच्छा। साल आए हैं ये भी नवनिर्माण पे है, हाँ जी। इनका भी कंडीशन, हाँ जी, आपने बताया कि ये सन 80 से ये बने हुए हैं जी, लेकिन इसमें बने देने हम लागू नहीं होता है। अच्छा, इन भवनों में बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे विनम्रता ऐसी है कि यहाँ पे हम इन पे भी रिपेयरिंग नहीं कर पाते। अच्छा, अब रिपेयरिंग के लिए हमें तो पता तो चाहिए, पत्थर आएंगे जंगल, पत्थर आएंगे जंगली से, तो इसलिए ये जो है इनकी जो है मरम्मत नहीं हो पा रही है। और ईंट लाने की सुविधा यहाँ है? ईंट तो यहाँ मतलब ही नहीं है, इतनी दूर से ईंट, तो इतना पैसा ही नहीं हमारे पास, हमारे पास समिति के पास इतना पैसा नहीं है कि हम ईंट से लाएं, फिर रेत है, रोड़ी है, सीमेंट है, इतना पैसा सर अभी इस समिति में नहीं हुआ है। यहाँ से कम 600 रुपये जो है एक खतर का किराया है। ये बद्री केदार समिति को पहुंच जाता है जी, तो क्या वहाँ पे ये भी लिखा हुआ आएगा या कोई तस्वीर भगवान पिंडेश्वर के वहाँ पे लगी रहेगी बद्रीनाथ या केदारनाथ में? जी सर, उनका कि वहाँ जो यात्री आए वो यहाँ के बारे में भी जानकारी जी जी, इसका फिर वो सभी जगह लगे जो उनके अपने, मेरे ख्याल से ये 52 मंदिर है उनका, और सारे मंदिरों में कुछ बद्री केदार मंदिर समिति अपनी ओर से करेगी, तो कुछ हमारे चौथान की बिनसर समिति भी जो है अपनी ओर है प्रयास करेगी। ऐसा नहीं, हमारे ये पौराणिक डेरे हैं हमारे सारे, ये आमंत्रित हो रखे हैं, जैसे चौथान का जो नक्शा है उसी प्रकार हमारे यहाँ पे जो है धर्मशालाएं भी आमंत्रित हो रखी हैं। अच्छा, प्रत्येक गाँव का, प्रत्येक गाँव का, प्रत्येक गाँव के जो है ये डेरे हैं हमारे, तो उसी प्रकार से इस डेरों का भी हमारी बुजुर्गों ने नक्शा, लेकिन जब पुराना मंदिर गिरा तो कई दिन मैं भी यहाँ पे साक्षी रहा, लेकिन मुझे ये लगा कि बीच बीच में जो है उस मंदिर की रिपेयरिंग हुई या वो क्षतिग्रस्त हुआ और फिर उसको बनाया गया, क्योंकि जब इसकी नींव की खुदान हो रही थी तो यहाँ जो है कुछ छोटे दिया उगरे बिगरे हमको मिले हैं, शायद वो अभी संभाल के रखे होंगे, या जो पत्थरों पर लिखा हुआ था यहाँ, तो माननीय सज्जनानंद भारती जी ने कई जगह उनको भेजा है, लेकिन वो पढ़ने में नहीं है आदिकाल से। यहाँ कुछ ईंटें भी मिली हुई हैं, खुदाई में जो है 2-4 ईंटें भी मिली है, शायद उनका ये प्रयास रहा होगा कि ईंटों से यहाँ, पता नहीं वो लोग कहाँ से लाए, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो ईंटें मतलब वही लाल कलर, लाल कलर की थी, बड़ी थी। अच्छा, बड़ी थी ईंटें, आम ईंटें से साइज बड़ा, साइज बड़ा था उसका, लगभग 8x8 की थी। अच्छा, तो हो सकता है उनका प्रयास ये रहा हो या यहीं बनाया हो, जैसे मंदिर पे क्लिप लगे हुए थे तो वो क्लिप जो है यही बने थे, किसी धातु के थे, लोहे के हैं, लेकिन क्या पता प्रयास यही रहा होगा, यही बनाए होंगे, अब ये तो वही जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद हमसे आप सबका विचार यहाँ के बारे में शेयर किए सर, और उम्मीद है जो बात आपने कही उसको आगे तक पहुँचाया जाए, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आगे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे PM तक पहुँचे आपकी आवाज, और आपका जो यहाँ के बारे में सोच है, विचार है, वो आगे तक जाए और मंदिर एक तीर्थ स्थान बने जी, ताकि यहाँ पे यात्री ज्यादा से ज्यादा आए जी।
था बिनसर महादेव का आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। और आज का इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय बिंदेश्वर महादेव। तान को नारायण देवता के नाम से जाना जाता है।